दिन पर दिन दिल्ली की जनसंख्या के साथ बढ़ती जा रही हैं यातायात की समस्याएं भी। परंतु दिल्ली मेट्रो रेल एक ऐसी योजना है जो इस आवागमन की रोजमर्रा की परेशानियों को काफी कम कर देगी। सन 2005 में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट को आम लोगों से अवगत कराने के उद्देश्य से एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ने किया है। ये हमारा जो एग्जीबिशन है, एक जरिया है, एक टूल है, एक प्रोसेस है जो अभी स्टार्ट हुआ है कि एग्जीबिशन में लोग आएँ, मेट्रो के बारे में इंटरेस्ट दिखाएं और मेट्रो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो ये एक एग्जीबिशन एक तरीका है जिसमें से हम दिल्ली वासियों को इन्वॉल्व कर सकें मेट्रो के वर्क में और मेट्रो में वो हमें सहयोग दें। मेट्रो रेल के निर्माण के दौरान लिए गए ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों ही तरह के करीब 40 छायाचित्रों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। इन चित्रों में आम मजदूरों का योगदान दिखाया है। इस एग्जीबिशन में मुख्य फोकस है आम वर्कर, जो आम आदमी जो काम करता है मेट्रो साइट पे, जो अपना पसीना बहाता है मेट्रो के लिए। ये खाली मेट्रो नहीं, वो जितने प्रोजेक्ट में यही आम वर्कर है जो सब जगह काम करता है, ये काम करके दूसरी जगह चले जाता है, बाद में उसकी बेनिफिट्स हम लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन इस वर्कर को कोई नहीं याद करना, ये याद करता है। दिल्ली मेट्रो चाहती थी कि ये वर्कर भी रिकॉग्नाइज हो। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में चल रही इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित छायाचित्रों से दिल्ली के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विकास तो आम लोगों के सामने आया ही, साथ ही इस मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आगामी सालों में होने वाली शुरुआत दिल्ली के यातायात समस्या को कम करेगी। कम से कम इस प्रदर्शनी के छायाचित्रों को देखकर यही एहसास होता है।